इंग्लिश पढ़ने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इंग्लिश होता क्या है। सबसे पहले इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश बोला जाता है कि एक लैंग्वेज है। सबसे पहले क्या है? लैंग्वेज, ये एक भाषा है और ये पूरा विश्व में बोला जाने वाला भाषा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको बोल सकते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। और इंग्लिश का जो बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, कोई भी जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो इसका जो बहुत सारा मीनिंग है, बहुत सारे जब मतलब लैटिन से आया, ग्रीक वर्ड दिया, इसलिए इसको हम लोग एक और चीज क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। तो व्हाट इज इंग्लिश? सबसे पहला सवाल होता है इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है और एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। तो अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसमें कितना अल्फाबेट होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितना अल्फाबेट होता है। अक्सर सब कंफ्यूज हो जाता है कि 26 अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का नाम सुनते हैं लोग का दिमाग में आता है 26, लेकिन ये गलत है। कोई भी भाषा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उसमें एक ही अल्फाबेट होता है, ओनली वन, एक ही अल्फाबेट होता है, एक ही अल्फाबेट होता है, एक अल्फाबेट। कैसे? तो जो ए बी सी डी ई एफ ये सब जो है, तो ए क्या है, ए बी सी डी ई सब क्या है, ये सब लेटर्स, ये सबको लेटर्स को लाया, अल्फाबेट आप नहीं बोल सकते हैं। तो अल्फाबेट बोलेंगे किसको, मन में प्रश्न राइज होता है, तो अल्फाबेट बोलेंगे किसको, तो दी कंप्लीट सेट्स ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। दी कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज, कोई भी भाषा का जो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स रहेगा उसी को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। इसलिए हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई अगर भाषा है तो उसमें एक ही अल्फाबेट होता है। अब हम लोग एक ही अल्फाबेट हो सकता है, तो हम लोग अब लिख सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 26 वो लेटर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। 26 लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, इंग्लिश अल्फाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। और दी कंप्लीट सेट्स ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। कोई भी वास्तविक कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब हम लोग अल्फाबेट, लेटर्स, इन सब चीजों को समझ चुके हैं। 26 लेटर होता है इस अल्फाबेट में। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? अल्फाबेट होता है। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? सेंटेंस होता है। हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं।
अब हम लोग सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। सेंटेंस पे चर्चा करने से पहले हम लोग एक सिंपल सा चीज पे चर्चा करेंगे। देखिए बॉय गर्ल गो ए आई एक्सेट्रा। देखिए बॉय मतलब लड़का होता है, गर्ल मतलब लड़की होती है, गो मतलब जाना होता है, ए मतलब एक होता है, आई मतलब मैं होता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट भी है, चर्चा सभी करते हैं कि बी कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन यहाँ पे हमको समझना कि बी पहले के लेटर है, ओ भी लेटर है और बाई भी लेटर है, और जब तीन को लेटर मिल गया तो वो ग्रुप बना गया, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सभी ग्रुप है ना जी, बी तीनों ग्रुप है ना लेटर्स का, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और क्या कर रहा है ये जो है वो मीनिंग दे रहा है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अरे ये सब वर्ड है ना जी, ये सब वर्ड है, बॉय गर्ल गो ए आई, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए है आई है, तो ये सब एक्सेप्शनल है, ये सब एक मतलब एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर है नहीं, कैसे मान लें इसको, बट लेकिन ये सब एक्सेप्शनल में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अब बात करेंगे हम लोग सेंटेंस में, अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस पे। कोमल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सेंटेंस है, सभी मानते हैं कि कोमल एक खूबसूरत लड़की है, एक सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस है तो यहां पे इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ये बहुत कुछ है, नाउन भी है, नेम भी है, इसको थोड़ा सा साइड, लेकिन ये सब जो है ये सब वर्ड है, अभी बताया था वर्ड क्या होता है, तो ये सब जो है वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड वाला सब मिलकर वो ग्रुप बना रहा है, तो लिख सकते हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे, और ये सब एक सेंस दे रहा है, वो मतलब बता रहा है पूरा जो अगर सेंटेंस है इसका मतलब बता रहा है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सेंटेंस, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए ये कोमल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें, आगे कोई मतलब दे रहा है, कोमल एक खूबसूरत लड़की है, ये एक मतलब दे रहा, तो एक कंप्लीट यहाँ विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ये सब का एक मतलब आ रहा है ना, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, तो क्या हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम लोगों ने अभी क्या क्लियर किया, अल्फाबेट पर चर्चा किया, वर्ड पर चर्चा किया, और हम लोग इस पर सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। अब यहीं से देखिए, यहीं से इसी सेंटेंस से हम लोग दो चीज क्लियर करेंगे, सबसे पहले यहां पे ये क्या कोमल, ये एक सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है दुनिया जान रहा है कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन कैसे है, कैसे मान लें कि सब्जेक्ट का ई का है सब्जेक्ट, ई का है सब्जेक्ट, तो अगर सब्जेक्ट का पता करना हो, अगर सब्जेक्ट का पता करना हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, पता करना है तो पता चलेगा, सब कुछ का पता चलता है, इसका भी पता चलेगा। देखिए सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है, तो काम करने वाला, तो देखो सब्जेक्ट का पता किसे करें, तब सेंटेंस से प्रश्न करना है हम लोग को, किस चीज से प्रश्न करेंगे, तो हु से प्रश्न करेंगे, किससे करेंगे, हु से प्रश्न करेंगे, हु मतलब क्या होता है कौन से प्रश्न करेंगे,
अगर हिंदी बात रहता कि कोमल एक खूबसूरत लड़की है तो कौन एक खूबसूरत लड़की है, ऑब्वियसली बात कोमल, आंसर आता कोमल। तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, इंग्लिश में जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, हु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन, तो सेंटेंस कोमल आ गया, तो कोमल क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब देखो